नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। प्रदेश में भीषण ठंड को लेकर सीएम योगी के निर्देश, निराश्रितों को ठंड में ना हो कोई समस्या। सीएम ने आदेश दिया है अफसर रहे सतर्क, सड़क पर कोई सोता ना दिखे। 2,86,740 निराश्रितों को बांटे गए कंबल, लगातार बांटते रहे कंबल, ये सीएम के आदेश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ठंड के कहर के चलते सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, निराश्रितों को ठंड में ना हो कोई समस्या, अफसर रहे सतर्क, सड़क पर कोई सोता ना दिखे। 2,86,740 निराश्रितों को बांटे गए कंबल, और सीएम योगी का कहना है कि आगे भी लगातार इसी तरह से कंबल बांटते रहे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि कोई भी निराश्रित बाहर सड़क पर ठंड में सोता ना दिखे, और लगातार कंबल जो है निराश्रितों को बांटे जाएं, ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने अफसरों को आदेश दिए हैं, बढ़ती ठंड को लेकर ये आदेश दिए गए हैं। जिस तरह से ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अब उन लोगों की चिंता ज्यादा सताने लगी है जो निराश्रित है, और जिनको जरूरतमंदों को कंबल बांटने के भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए, और कहा कि लगातार निराश्रितों को कंबल बांटे जाए, और ठंड में किसी तरह की निराश्रितों को कोई समस्या ना हो। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता। मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान खरीदने वाले के साथ क्या गिरफ्तार, चोरों के साथ दो दुकानदारों को किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, एक टैबलेट सहित एक स्मार्ट वॉच की बरामद, एक और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली है, मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार किए गए, और चोरी का सामान खरीदने वाला शख्स भी जो है गिरफ्तार किया गया है। चोरों के साथ दो दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया, 10 मोबाइल, एक टैबलेट सहित स्मार्ट वॉच की बरामद की गई है, और अभी भी एक चोर की तलाश जारी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, और अब पुलिस ने उस गुत्थी को सुलझा लिया है, और 10 मोबाइल, एक टैबलेट सहित एक स्मार्ट वॉच को यहां पर जब्त किया गया। साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया, और यहां पर चोरी का सामान खरीदने वाले गिरफ्तार हुए, चोरों के साथ दो दुकानदारों को भी जो है यहां पर गिरफ्तार पुलिस ने किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार हो गए हैं, चोरी का सामान खरीदने वाले भी गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, वही लोग हैं जिन्होंने मोबाइल शॉप में चोरी की, और इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने चोरी के मोबाइल खरीदे थे। इस दौरान मोबाइल, टैबलेट और स्मार्ट वॉच भी पुलिस ने जब्त की है। हालांकि अभी भी एक चोर अभी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चलती कार में लगी आग, कार में सवार दो लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना मंडावली के NH 74 के हरिद्वार मार्ग की घटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है, और ये बिजनौर की तस्वीरें हैं, जहां पर चलती कार में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार में सवार दो लोगों ने कूदकर जान बचाई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चलती कार आग का गोला बन गई, कार में सवार दो लोगों ने वक्त रहते कूद कर अपनी जान बचाई, और मामले की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी।
इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कार आग का गोला बनी हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा होगा कि चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। रात की बात यह रही कि जो कार में सवार जो दो लोग थे उन्होंने कूद कर समय रहते अपनी जान बचा ली। दमकल के अधिकारियों को सूचना दी गई जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और देख सकते हैं कि इस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खबर यह भी आ रही कि मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और कानपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कुलपति विनय पाठक की फरारी का मामला। फरारी मामले में किया जाएगा सम्मान समारोह। कानपुर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति है विनय पाठक, दो महीने से फरार होने के बाद भी पद पर कायम है और वेतन भी पा रहे हैं कुलपति। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, कुलपति विनय पाठक की फरारी का पूरा मामला है। मामले में किया जाएगा सम्मान समारोह क्योंकि कानपुर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं विनय पाठक और दो महीने से फरार होने के बाद भी पद पर कायम है। इतना ही नहीं वेतन भी कुलपति पा रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलपति विनय पाठक की गिरफ्तारी का मामला, फरारी का मामला और फरारी मामले में सम्मान समारोह यहां पर किया जाएगा। कानपुर आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति हैं और दो महीने से फरार होने के बाद भी पद पर कायम है। इतना ही नहीं पद पर तो कायम है ही साथ में वेतन भी उन्हें मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तंज भरी तस्वीरें यहां पर है और फरारी का मामला है पूरा ये। विनय पाठक जो है कुलपति हैं आगरा विश्वविद्यालय के और फरार हैं, उसके बाद भी लगातार पद पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं उनका जो है वेतन भी दिया जा रहा है और इस सिलसिले में अब सम्मान समारोह का आयोजन यहां पर किया जाएगा। कन्नौज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी महिला नेता सहित दो पर मुकदमा। महिला मोर्चा की महामंत्री बबीता सिंह पर केस दर्ज। बबीता सिंह सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खनन रिपोर्ट पर जबरन हस्ताक्षर और धमकाने का आरोप। तहसीलदार अनिल कुमार सरोज ने दर्ज की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली में मामला हुआ दर्ज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, बीजेपी महिला नेता सहित दो पर मुकदमा दर्ज। महिला मोर्चा की महामंत्री बबीता सिंह पर केस दर्ज हुआ है। बबीता सिंह सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और खनन रिपोर्ट पर जबरन हस्ताक्षर और धमकाने का आरोप लगा है। तहसीलदार अनिल कुमार कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी महिला नेता सहित दो पर एफआईआर दर्ज। महिला मोर्चा की महामंत्री बबीता पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया, दो और लोगों पर मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। नौ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये नोटिस है जो सामने आया, अब जो है मुकदमा दर्ज किया गया है बीजेपी महिला नेता समेत दो पर, अब जिसका जो है शिकायत पत्र भी जो है एफआईआर सामने आई है। छिबरामऊ कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है, बीजेपी महिला नेता सहित दो पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बबीता सिंह सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी से मिले विधायक अंकुर राज तिवारी, अपने क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत। सीएम योगी से क्षेत्र के विकास की उठाई मांग। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदय राज तिवारी भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने विकास की सौगात देने का किया वादा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर से सामने आ रही है, सीएम योगी से मिले विधायक अंकुर राज तिवारी, अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और सीएम योगी से क्षेत्र के विकास की मांग भी उठाई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदय राज तिवारी भी मौजूद रहे इस दौरान। सीएम योगी ने विकास की सौगात देने का यहां पर वादा भी किया है। संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपने क्षेत्र में विकास का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है
कि उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। विधायक अंकुर राज तिवारी ने जो है सीएम योगी से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए विकास की मांग उठाई है, जिसके बाद सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे। संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने सीएम योगी से मुलाकात की है। अंकुर राज तिवारी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू कराते हुए विकास की सीएम योगी से मांग उठाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर विधायक अंकुर राज तिवारी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और अपने क्षेत्र में समस्याओं के बारे में बताया, साथ ही विकास कार्यों को कराए जाने की मांग भी की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो संत कबीर नगर में विधायक अंकुर तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, ये तस्वीरें भी सामने आई है मुलाकात की, जिसके बाद विधायक अंकुर तिवारी ने सीएम को अपने क्षेत्र में समस्याएं जो उत्पन्न है उनसे अवगत कराया और साथ ही मांग की है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि सभी विकास कार्य करवाए जाएंगे। और अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमरोहा में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल, बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ, पॉपुलर होने के चक्कर में कर रहे स्टंटबाजी, स्टंटबाजी से मौत को दावत दे रहे युवा, हसनपुर के सिहाली जांगीर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, अमरोहा में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल, बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ, स्टंटबाज यहां पर स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टंटबाजी का खेल जो है थमता नजर नहीं आ रहा, पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी इन स्टंटबाजों में पुलिस का किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक कार चला रहा है और दूसरा खिड़की से बाहर निकलकर झांक रहा है और खुली रोड पर ये स्टंटबाजी का खेल किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रक भी आगे चल रहा है और खुद को तो दे ही रहे हैं ये हादसे को दावत और दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू सहारा निवेशकों के साथ विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे, यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ धरना दिया गया, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं सहारा निवेशकों का। यह धरना लगातार जारी है, जिसको अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ धरना दिया जा रहा है। सीतापुर की तस्वीर आपको दिखा रहा है, अनिश्चितकालीन धरने पर लोग बैठे हुए हैं। मामला यह है, जो सहारा में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों के पांच पांच छह छह साल हो गए, लोगों के आइडिया जो भी बनी थी, जिस प्रकार की, चाहे कोई मकान लेना चाहता था, चाहे कोई अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रहा था, चाहे जिस भी पर्पज से जमा कर रहा था, अब पैसा वापस नहीं किसी को मिल रहा। गरीब आदमियों ने अपने मजदूरी करके, किसानों ने अपने खेती से, जिस किसी ने, दुकानदार ने अपने दुकानदार से अपना जो हिस्सा था वो जमा किया, लेकिन अब उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा। ना तो सत्ता में बैठे सत्ताधारी कोई उनकी बात कर रहे हैं, ना तो कोई सांसद विधायक उनकी बात कर रहा है। जिन लोगों ने उन सबको वहां पहुंचाया है, विधानसभा लोकसभा, कौन बात करेगा इसकी। और सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, माने छह महीने के बच्चे को उतारा मौत के घाट, फावड़ा मारकर बच्चे की हत्या की है। गांव के देवस्थान पर मौत के घाट उतारा गया है, अंधविश्वास के चक्कर में हत्या की आशंका, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। गोसाईगंज क्षेत्र के धनोपुर कुटिया का पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक मां ने छह महीने के बच्चे को फावड़ा मारकर
मौत के घाट उतार दिया, गांव के देवस्थान पर मौत के घाट उतारा गया और यह पूरा मामला जो है अंधविश्वास के चक्कर में हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां ने ही अपने नन्हे मासूम को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है, आशंका है कि अंधविश्वास के चलते 6 महीने के मासूम की हत्या की गई, फावड़ा मारकर बच्चे की हत्या की गई है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला ने अपने 6 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतारा। वही खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में तहसील मिश्रिक के सभागार में मिश्रिक नैमिषारण्य के विभिन्न धर्मगुरुओं और संतों के साथ 84 कोसीय परिक्रमा और नैमिषारण्य मेले में संबंधित बैठक हुई। बता दें, इस बैठक में धर्मगुरुओं संतों से 84 कोसीय परिक्रमा और मेले के आयोजन से संबंधित जानकारी ली। साथ ही बैठक में संतों और धर्मगुरुओं ने खराब सड़क, टूटी नाली, गन्ना वाहन से जाम जैसे परेशानियों से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान ने धर्मगुरुओं को आश्वासन दिया है कि मेले की सभी तैयारियां अच्छी चल रही है। सड़क सुरक्षा माह के तहत कन्नौज आरटीओ इज्जत तिवारी के निर्देश पर परिवहन अधिकारी रामबाबू दोहरे ने सराय मीरा स्थित तिरवा क्रॉसिंग के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों को पकड़ा और हेलमेट लगाकर उनको जागरूक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 सड़क सुरक्षा माह के तहत ही अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान पूरे जिले में जगह जगह चलाया जाएगा। क्रम में सड़क सुरक्षा माह 2023 के क्रम में दोपहर दिनांक 7 तारीख को दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही साथ उनके चालान की कार्रवाई की गई। फोर व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के लिए भी उनको प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया और सुरक्षा के संकेतों को बताया गया। और कल दिनांक जो हमारा जो है वाहन चालकों को, ट्रैक्टर चालकों को हम पेट्रोल इलेक्ट्रिक टैप लगाए जाने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। और कल हमारा कैंप स्वास्थ्य कैंप लगा, जिसमें प्रवर्तन चालक, चालक बस चालक और टेम्पो चालक, स्कूल वाहन चालकों और एम्बुलेंस चालकों को स्वास्थ्य लेकर परीक्षण कराया जाने का प्रयोग किया है। हमारा कैंप का आयोजन किया गया। खबर बिजनौर से है, जहां एक नाबालिग किशोरी ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति पर छेड़छाड़ की है। नाबालिग ने पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की। पीड़ित किशोरी ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी शमीम को पुलिस से गिरफ्तार कर थाने ले गई है। इसके साथ ही नाबालिग ने बताया कि शमीम इससे पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है। ये हमारे लड़के की साली, अब ये इसे हमने रहने के लिए बुलाया, क्यों मेरे भी बच्ची है, छोटी है, मेरा भी घर में काम है, वो हमसे अलग रहती है ऊपर, तो वो जच्चा है, अब उसका काम उसे भारी पड़ रहा था, ऑपरेशन हुआ बड़ा, तो इसलिए हमने इसे यहाँ बुला लिया काम के लिए। ज्यादा फालतू किसी से बोलती नहीं। अब शमीम भाई जो है छत पर चक्कर लगावे अपनी, अब मुझे देखा तो वे चला गए और जब मैं नीचे आ गई तो इसके साथ छेड़छाड़ करी उन्होंने, मतलब वीडियो भी बनाई, फोटो वोटो खींचे, तो इसने मुझसे कहा, मैं बाजार चली गई थी, जब मैं आई तो इसने मुझसे कहा कि ऐसा बात है। मैं सुबह छत पर गई थी तो शमीम अहमद छत पर खड़े थे अपनी, तो पूछने लगे आप क्यों आई हो, मैंने क्या मैं कपड़े फैला नहीं हूँ। अच्छा, फिर कहा आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बोल दिया। फिर कहा आप कौन सी क्लास में हो, मैंने वो भी बता दिया। फिर कहने लगे आप तक कब तक रहोगी यहाँ पे, मैंने कहा अभी तो मैं रह रही हूँ, जाऊंगी 1 महीने। मैंने अच्छा अपना नंबर दे दो मुझे, मैंने कहा मैं नंबर नहीं दूंगी। फिर कहने लगा आप बहुत खूबसूरत हो, अपनी नजर उतरवा लेना, क्या कहते करे इधर मत खड़ी हो, आप कभी कोई देख ले, और वीडियो वगैरह भी बना रहे थे, उनके हाथ में मोबाइल था, फोटो भी खींचा था।
लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 से 20 जनवरी तक विशेष टीकाकरण अभियान, वैक्सीन रोधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, वैक्सीन रोधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, लखनऊ से 9 से 20 जनवरी तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीन रोधी बीमारियों ये अभियान चलाया गया, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन रोधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 से 20 जनवरी तक विशेष टीकाकरण अभियान ये चलाया जा रहा है, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को वैक्सीन इस दौरान लगाई जाएगी, वैक्सीन रोधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को सीईओ की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। यह आदेश 18 वर्षों से चल रहे एक भूखंड आवंटी और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बीच चल रहे मुकदमे में आया है। बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईवे पर 2 गुटों में हुई फायरिंग, बीडीसी सदस्य के बेटे को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुई फायरिंग, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, यहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है और यह पूरा मामला बुलंदशहर का है। हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग हुई है, बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग हुई है, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईवे पर 2 गुटों में जबरदस्त फायरिंग हुई, इसमें बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली लगी और इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग हुई, बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारी गई है और अस्पताल में इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया है। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग हुई और पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग हुई और बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारी गई है, इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई है और पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग हुई, जिसके बाद बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारी गई, इलाज के लिए बीडीसी सदस्य के बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर की यह पूरी वारदात है, यहां पर हाईवे पर 2 गुटों में जबरदस्त फायरिंग हुई और इस फायरिंग में बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मार दी गई। सदस्य के बेटे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दो पक्षों के बीच में कोर्ट से चले आ रहे ओए होटल को चलाने के लिए विवाद को निस्तारण हेतु मीटिंग थी। उसी मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया, जिसमें एक फायरिंग की घटना हुई। इस फायरिंग से एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की पहचान विकास सन ऑफ श्री गजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। विकास के पिता गजेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर गुलावटी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का
89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 8 जनवरी सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली। उनका घर पर इलाज चल रहा था। वे 3 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। 10 नवंबर 1934 को उनका जन्म हुआ था। पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी अपने पिता की 7 संतानों में 4 बेटियों और 3 बेटों में सबसे छोटे थे। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। कथित तौर पर मनीष जगन अग्रवाल पर ट्विटर हैंडल के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इसके चलते ही उन पर हजरतगंज कोचवाली में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे और गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी सीधे योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, विश्व विपक्ष की आवाज को दबाने की यह कोशिश की जा रही है। और फिलहाल ब्रिटेन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।